मुर्तजा क्या हो गया? कहाँ गई थी? क्या खैरियत है? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी तुम? स्कूल तक गई थी, इंटरव्यू था मेरा, क्या हो गया? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे जॉब की जरूरत है। दुआ, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? तुम मुझे एक कॉल कर सकती हो, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं लेके आ जाऊंगा तुम्हारे लिए, नहीं तो कम से कम इस बच्चे का ख्याल रखो। मेरी फिक्र मत करो, मजीद एहसानात नहीं ले सकती तुमसे, वैसे भी अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अनुषे को है, उसकी केयर करो, उसे वक्त दो। क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। अनुषे के साथ साथ तुम भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो दुआ, निकाह में हो तुम मेरे। एक मजबूरी का निकाह, सिर्फ एक समझौता। दुआ लेकिन कौन? हेलो, मैंने कहा ना मैं मीटिंग में आ रहा हूं। जी एक घंटे में आ रहा हूं, प्लीज फोन ना करना मुझे। ये देखा तुमने, आज मेरी वजह से तुम्हारे काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कल मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी प्रॉब्लम से भर जाएगी। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करना चाहती हूं? मैं तुम्हें मजीद प्रॉब्लम्स में नहीं डाल सकती। तो बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन देखो मेरी बात का गलत मतलब मत समझना। जी आंटी। वो जो लड़का है ना, क्या नाम है इसका? कौन लड़का? वही जो आज शाम भी आया था। मुर्तजा। हाँ मुर्तजा। जी क्या हुआ उसको? हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्यों? देखो बेटा, जब तुम्हारी माँ जिंदा थी ना तो कोई भी आता जाता था बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, इस तरह से एक जवान लड़का आता है तुम्हारे पास, हमारे यहाँ इसको बहुत ही मायूब समझा जाता है, लोगों को खाम खा बातें बनाने का मौका मिलता है बेटा। देखो मैं तुम्हारी माँ की जगह पर हूँ, मेरी बात को गलत मत समझना। आंटी लोगों की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और ना ही शायद मुर्तजा के पास। आप प्लीज चाय पीजिए। पहले तुम मुझसे एक वादा करो, अशर की कुर्बानी को तुम रायका नहीं जाने दोगी। दुआ उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी विरासत। अब हालात जैसे भी हो, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ये अशर का कर्ज है तुम पर।
परेशान हो रहा है हीरो, लगता है फोन नहीं उठा रही लैला, लगता है किसी और के साथ चले गई आज। क्या कहा तुम लोगों ने? जो बोला है वही सुना है। तुम लोगों में बात करने की तमीज नहीं है? एक शरीफ औरत के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। एक तो अय्याशी, ऊपर से हमारे बोलने हैं बदमाशी। अरे बारे में गलत बात कर रहे थे लोग। करने दो, चाहे लोग ये इन्हें से मालूम, खुदा के लिए अंदर चलो तुम, चलो अंदर, अंदर चलो। क्या कर लोगे तुम? और तुम यहाँ आए क्यों? जैसा मैंने मना किया था ना? क्यों ना हूँ मैं? निकाह हुआ है हमारा। ये बात वो लोग जानते? उन्हें तो नहीं पता ना? तो बता दो ना कि हमारा निकाह हुआ है। ठीक है, बता देते हैं, पूरी दुनिया को बता देते हैं। फिर अनुषे को कैसे फेस करेंगे हम? क्या जवाब देंगे उसे? और वो जो शैला आंटी जिनको डे वन से शक था, उनका शक तो यकीन में तब्दील हो जाएगा ना? सही कह रही हो तुम, लेकिन हमने कोई गुनाह नहीं किया, निकाह हुआ है हमारा। मुर्तजा इस तरह छुप छुप के मिलना जुर्म ही लगता है। I don't care. But you should care. Why don't you care? मुर्तजा तुमने मुझे और अशर को खुश रखने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी ना? तो मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूं, मैं भी तो चाहती हूं कि तुम और अनुषे खुश रहो। मुर्तजा अशर चला गया है, वो वापस नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूं, ये निकाह सिर्फ एक समझौता था और I'm sorry. जितनी जल्दी हो सके प्लीज मुझे तलाक दे दो और बस जान छुड़वाओ अपनी। सही कह रही हो तुम, लेकिन इस हालत में तुम्हें तलाक दूं कैसे मैं? हाँ, जब ये हालत खत्म हो जाएगी तब तुम मुझे तलाक के कागजात भिजवा देना। लेकिन दुआ। क्या लेकिन? मुर्तजा मेरा अशर नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी अनुषे अभी है, वो तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा सच अनुषे ही है। मैं सिर्फ एक भयानक ख्वाब हूं, तुम्हें इस ख्वाब से जागना तो पड़ेगा ना? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूं, एंड आई एम रियली सॉरी, पर तुम फिक्र मत करो, मैं खुद ठीक रहूंगी, मैं खुद को संभाल लूंगी, तुम अनुषे को संभालो। लो भाई, चाय तो तैयार हो गई। अरे दूध तो खत्म हो गया। आंटी वो दिप्तीन का डिब्बा पड़ा हुआ है, उसमें कुछ पैसे। आंटी चाय रहने दें, वैसे भी मेरा मूड नहीं है। आंटी
आंटी ये क्या है? बेटा तुम्हारी माँ मुझे अपनी बहन समझती थी और उन्होंने मुझे हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया। अब तुम किसी मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? और फिर ये जो कुछ भी है मेरे पास सब तुम्हारा ही है। मेरा तो एक ही बेटा था, वो भी न जाने कहाँ चला गया। अब तुम ही मेरी बेटी, तुम मुझे अपनी माँ समझना। और अब तुम्हें किराए देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैं दूध लेकर आती हूँ, अपना ख्याल रखना। आज तो बहुत गर्मी हो गई है, बहुत हफ्स हो गया है, लगता है आज बारिश होगी। देखो दुआ बेटी, वैसे तो सारा सामान अंदर ही है, लेकिन फिर भी ख्याल रखना कोई चीज़ बाहर ना रह जाए, ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना? जी आंटी। अच्छा सुनो, तुम दवाएं तो टाइम पर ले रही हो ना? जी आंटी, अम्मी से वादा किया था, पूरा तो करना पड़ेगा ना। हेलो। हाय। थैंक गॉड तुम घर आ गए, बाहर तो बारिश शुरू हो गई है। हाँ एक्चुअली तूफानी बारिश हो रही है। गॉड, तुम्हें वो फील्ड ट्रिप याद है जब हम कॉलेज में मरी गए थे और एक रात इसी तरह तूफानी बारिश हो रही थी? मेरा और दुआ का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया था। एंड इन फैक्ट इफ आई रिमेम्बर राइट, दुआ रोई भी थी। बेचारी, अब तो वो प्रेग्नेंट है और घर में अकेली है, उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा। पहले उसे अशर संभालता था और खैर मैं टेरेस का दरवाजा बंद करके आई, बी राइट बैक। अब तो वो प्रेग्नेंट है और घर में अकेली है, उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा। मैं पहले तो आशा से कंट्रोल कर लेना था। Ha ha ha!
प्लीज रोना तो बंद करो। अच्छा चलो मैं सामान पैक करूं, तो मेरे साथ मेरे घर चल रही। चलो दुआ। नहीं पड़ते सा मैं अंदर नहीं जा सकती। क्या जाओगे? मुझे नहीं पता। बातें करो। चलो अगर रात के इस टाइम पे इस तरह मुझे अंदर आते हुए तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली ने देख लिया या फिर अनुषे क्या समझेंगे ये लोग? कुछ नहीं सोचेगी अनुषे, वो बहुत खुश होगी। इनफैक्ट उसी ने मुझे एहसास दिलाया था कि तुम तूफानी बारिश में बहुत परेशान हो रही होगी। लेकिन प्लीज अपने आप को ब्लेम करना कब छोड़ोगी तुम? ये जो कुछ भी हो रहा है ना इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, शायद किसी का कोई कसूर नहीं, शायद हमारी किस्मत में लिखा है। चलो वह चलो प्लीज। मुर्तजा तुम कहां से आ रहे हो? रात के इस वक्त इस मौसम में कहां चले गए थे और वो भी मुझे बताए बगैर? अब बोलो बताओ ही। दुआ क्या तुम लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि रात के इस वक्त इस मौसम में तुम्हें दुआ कहां से मिली है? अनुषा मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, प्लीज रिलैक्स। मुझे इतना परेशान करने के बाद तो मुझे रिलैक्स करने को कह रहे हो? अनुषे लिसन आई एम सॉरी। दुआ तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। देखो अनुषे तुम्हें मुझे कहा था कि दुआ को बादलों के गरजने से डर जाती है, इसी में लेने चला गया इसे बस। हाउ कैन यू? तो तुमने सोचा कि आधी रात में मुझे बताए बगैर तुम जाके उसको रेस्क्यू करो? अच्छा हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, अभी मैं इसे गेस्ट रूम तक ले जाऊं। जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू, मैंने सोचा पहले तुमसे परमिशन ले लूं। हाँ क्योंकि तुम तो मेरी परमिशन के बगैर कुछ करते ही नहीं हो। ऑनेस्टली मुझे तो डर लगना शुरू हो गया कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे बताए बगैर क्या क्या करते हो गे? अच्छा तुम ऐसा करो तुम ही इसे ले जाओ। फाइन तुमसे मैं बात करूंगा। चलो तो से अनुषे सब सो रहे हैं यार। और हाँ वो दुआ को दे दी कपड़े। I can't understand. तुम्हें दुआ की फिक्र है। तुम्हें इस बात की फिक्र है कि मैंने दरवाजा जोर से खोला है और घर वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। अच्छा मैंने ऐसा क्या कर दिया? स्टॉप इट, स्टॉप ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट मी। जब भी मैं तुम्हारी गलतियां तुम्हें पॉइंट आउट करती हूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। मैंने तुम्हें कब डिस्ट्रैक्ट किया? मैंने तुम्हें याद दिला दिया कि उसको बारिश से डर लगता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम उसके पास भागे जाओ। मैं इसलिए गया था क्योंकि वो हमारी फ्रेंड है अनुषे। और मैं तुम्हारी बीवी हूँ जिसको तुमने बताने की जहमत भी नहीं की। अनुषे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो। मुझे बताओ कि ऐसा क्या हो गया था कि तुम्हें इस तूफान में जाकर अपनी जान को खतरे में डालकर हर हाल में दुआ को इधर लेके आना था? और इट्स नॉट लाइक कोई खुदा ना खासा दुआ के साथ इमरजेंसी हुई थी और तुमने मुझे बताना मुनासिब ही नहीं समझा।
देखो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें स्पेशल केयर के लिए कहा है और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था बस। स्पेशल केयर का ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे कुछ ना बताओ या मुझसे मशवरा भी ना लो। आई थिंक ये कोई चक्कर है। अनुषा अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं दुआ को घर क्यों लेके आता? बिना वजह एक छोटी सी बात का इशू क्रिएट कर रही हूँ। इशू? कहाँ जा रही हो तुम? जब तुमने मुझे कुछ बताने की ज़हमत नहीं की तो फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अनुषे भाई और अनुषे कहाँ है? अभी तक सो रहे बेटा। तो भाई ने आज ऑफिस नहीं जाना? हो सकता लेट जाना हो, रात लेट नाइट कहीं पर गया था वो। कल रात तो बहुत शदीद बारिश हो रही थी मामा, और भाई इतनी बारिश में कहाँ गए थे? खैरियत तो थी? अनुषे ने कुछ मंगवाना होगा। नहीं मामा, भाई ने अनुषे के लिए फ्रिज में स्टोर किया होता है। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा उठेगा तो पूछूंगी। जी बात है कि इतनी तेज बारिश में भाई कहाँ जा सकते हैं? उन्हें पता है कि सड़कों के हालात इतने बुरे हो जाते हैं हमारे यहाँ। बेटा मुर्तजा आपको भी इन हालात का अंदाजा है, वो तो कभी हमें बाहर नहीं जाने देता। हो सकता कोई ऐसी खास मजबूरी हो उसकी। अच्छा उठेगा तो पूछूंगी ना, तुम नाश्ता करो। से रात अनुषे की कंप्लेन भी सही थी, मुझे उसे बताकर जाना चाहिए था। मैं उसे सॉरी कर रहा था लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। पता नहीं आज क्या होने वाला। अगर उसने शैला आंटी को बुला लिया फिर तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सोच कर ही मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इस झगड़े की वजह से दुआ भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो पहले ही मेरे साथ आने से डर रही थी। मॉर्निंग। एक्चुअली नो, इट्स नॉट ए गुड मॉर्निंग एट ऑल। In fact, it's a very bad morning. Bad morning? लेकिन क्यों? तो मुझे कल रात सॉरी कहने क्यों नहीं आया? खुद ही तो मना करके गई थी। तुम रात के वक्त इस बारिश में दुआ को लेने गए थे और तुम बराबर वाले कमरे में मुझे सॉरी कहने नहीं आ सकते? मैं सो स्ट्यूपिड। मुझे देखो अनुषे, दुआ हमारी दोस्त है, हमारे सिवा उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैंने सोचा इस मुश्किल वक्त में मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और मैं चला गया। और मैं तुम्हारी बीवी हूँ और शादी से पहले तुम्हारी दोस्त भी थी और तुम मुझे सॉरी तक नहीं कह सकते? सॉरी? नहीं सीरियसली, मैं उधर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आके मुझे मनाओगे,
और तुम होके आराम से जाके दूसरे कमरे में सो भी गए। कहा ना सॉरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। खैर ऐसी गलती हुई क्यों? इतनी जोर से क्यों मारी हूँ? मुझे ऑफिस भी जाना है। आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। क्यों? अंकल ने तुम्हें छुट्टी दी हुई है और तुम आज बैठ के मेरा ख्याल रखोगे। ठीक बताए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अच्छा, अब नाश्ते में मुझे पैनकेक चाहिए, मिल्क शेक, लॉट्स ऑफ मेपल सिरप एंड बटर और चाय। ठीक है, उसके बाद बैठ के तुम मुझे एक अच्छा सा फुट मसाज दोगे, फिर अच्छा काम करो कि ये सारा कुछ मुझे टेक्स्ट कर दो, बिकॉज बहुत लंबी लिस्ट। I'll start with breakfast. Duaa? Duaa? यहाँ नई नवेली दुल्हन की तरह खड़ी हुई क्या कर रहे हो? किसकी दुल्हन? I mean, जिस तरह एक नई नवेली दुल्हन नर्वस होती है और इजाजत के बगैर चीजों को हाथ नहीं लगाती। मुझे यहाँ करना ही क्या है? लेकिन सच ये बताओ, तुम यहाँ पे कंफर्टेबल तो हो ना? I mean, तुम सारा दिन अपने कमरे में बैठ हो जाते हो, मतलब बाहर निकलो, आंटी और रिलीजन से बात कर लो। ठीक है। नाश्ता किया? तुमने नाश्ता नहीं किया? भूख नहीं लग रही थी ना। अनुषे, I'm sorry, हाँ मुझे इस तरह रात को मुर्तजा के साथ यूँ नहीं आना चाहिए था। मेरी बात सुनो, इनअप्रोप्रिएट लग रहा था और घर वाले भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, इसलिए आई एम रियली सॉरी। सिरी, नहीं, आई एम सॉरी। कल रात जिस तरह मुर्तजा मुझे बताए बगैर गया था, मुझे उस पर गुस्सा था और उससे मैं ना जाने क्या उन पर टांग बातें कर रही थी। जहाँ तक औरों की बात है तो कोई तुम्हें कुछ क्यों कहेगा? और कहते भी हैं तो कहने दो, who cares? तुम्हें पता ना, तुम बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हो और मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारे और मुर्तजा के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स आए। तुम्हें लगता है कि मेरे और मुर्तजा के बीच में इश्यूज हो सकते? अल्लाह ना कर। सो ये सब बातें छोड़ो, चलो नाश्ता करते हैं। मैं तो भूख से पागल हो गई हूँ। सब जी, अरे बैठो बैठो बेटा बैठो जी। और बेटा मैंने सोचा तुम्हारा पता ही करूं, मिलो तुम्हें। कैसी हो तुम, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं है तुम्हें यहाँ पर? बेटा इसे अपना ही घर समझना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। हाँ बेटा, अगर तुम्हारे मोहल्ले के लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, तो हमें बताना चाहिए था ना तुम्हें। आंटी अब क्या छोटी छोटी बातों को लेके आप सबको परेशान करूँ? ऑलरेडी आप लोग इतने परेशान हैं मेरी वजह से। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा अपना घर है बेटा, और वैसे भी वहाँ पर इन हालात में, इस हालत में वहाँ तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं था। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हालात के साथ समझौता तो करना पड़ता है ना। आयला की वफात पर तुम्हें रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ हमारे घर आ जाओ। आंटी आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं आप सबको मजीद तंग नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम बेफिक्र होकर इस घर में रहो, इसे अपना घर समझो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। बेफिक्र होकर रहो बेटा यहाँ पर। थैंक यू आंटी, लेकिन
वो बस कल रात को मौसम खराब हो गया था, इसलिए मैं मुर्तजा के साथ आ गई, वरना मुझे भी इस तरह आना अजीब लगा। बस दुआ, मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। तुम्हारा वहाँ पर अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी और तुम यहीं पर रहोगी हमारे साथ। नहीं आंटी, खालिदा आंटी मेरा ख्याल रख रही हैं और वो बहुत अच्छी हैं। हाँ अच्छी हैं, मैंने कब कहा है कि नहीं अच्छी, मगर तुम हमारे साथ रहोगी इस घर में। बस अब मैं कुछ और नहीं सुनूंगी। अच्छा और कैसी तबीयत है? आई एम गुड सर, नाराज हूँ मुझसे भी। कुछ बात करें, वो जो उस दिन मैंने तुम्हें डांटा था उसकी वजह से। सर वो तो आपने मुझे डांटा नहीं था, वो तो आपने मुझे लाइफ टाइम एक गोल्डन टिप दी। गोल्डन टिप समझा नहीं है। सर आपने मुझे ये बताया कि कभी भी बॉस के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यार शर्मिंदा कर रहे थे। अच्छा एक्चुअली उस दिन मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए ज़रा होगा। लेकिन गोल्डन टिप तो तुमने मुझे दी थी। तो क्लाइंट हमेशा पहले होता है, क्लाइंट नहीं होगा तो फिर हम बिजनेस कैसे चलाएंगे? तो मेरे अब्बा कहते थे कि बॉसेस इज ऑलवेज राइट, राइट इज ऑलवेज राइट। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं सर, अभी तो सिर्फ मांगनी हुई है। चलो फिर तो तुम समझ सकते हो कि अगर बीवी या मंगेतर नाराज़ हो जाए तो फिर सारा दिन कितना बुरा गुजरता है। सर मेरे अब्बा ठीक ही कहते थे। क्या कहते थे? अरे छोड़ें सर, आप फिर नाराज़ हो जाएंगे सर। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं नाराज़ हूँगा, बताओ। सर मेरे अब्बा कहते थे कि हमारे ज़माने में मर्द चार शादियाँ करता था, और मजाल है कि कोई उसकी बीवी उससे शिकायत करे या उससे लड़े, लेकिन सर आजकल के ज़माने में मर्द एक शादी करता है और सारी ज़िंदगी उसी औरत से लड़ता रहता है। किसी ने दो की हो तो? जी सर। मेरा मतलब है कि तुम्हारे अब्बा सही कहते हैं। तुम्हारा कितनी शादी करने का इरादा है? अरे सर एक ही मेरी बहुत है, तो मेरी मंगेतर है, इतना मुझे डांटती है सर ना पूछे, मेरे लिए तो एक ही बहुत है, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। अच्छा एक मिनट। अरे अनुषे, अनुषे, अरे बेटा क्या हो गया आपको? एहतियात से, आपको मालूम है ना डॉक्टर ने कितना सख्ती से मना किया आपको। हेलो, हाँ मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। सॉरी आंटी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। अच्छी तरह मालूम है ना, ना तो मैं डांटूंगी और ना ही शोर मचाऊंगी, मगर अब सास बनने पर मजबूर कर रही हैं आप। सॉरी आंटी, लास्ट चांस, मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ आप मेरी अच्छी सी आंटी रहें और सास बिल्कुल ना बने। अच्छा पक्का वादा? पक्का वादा। अच्छा अब मैं ऐसे चलूँ? हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलना है। अच्छा सुनो बेटा, वो मुझे याद आया, दुआ जो है वो वापस घर जाने की ज़िद कर रही है। क्या? हाँ मैंने उसे समझाया था बेटा कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मोहल्ले के इतने हालात ख़राब हैं, क्या करेगी वहाँ जाकर, लेकिन वो तो मान ही नहीं रही बेटा। आंटी उस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसको अपने तरीके से समझा दूँगी। ठीक है अब एहतियात करना। दुआ तुम यहाँ क्यों अकेली खड़ी हुई हो? कमरे में क्यों बैठी रहती हो? बाहर आओ, हमारे साथ टीवी देखो। वो देखो, अगर तुम ऐसे ही कमरे में अकेली बैठी रहोगी तो तुम ऐसे तन्हा हो जाओगी। तन्हा तो मैं हो चुकी हूँ। लिसन, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग, राइट? तुम्हें ये सब कुछ स्ट्रांगली फेस करना है। देखो आई नो अशर भाई हमारे बीच में नहीं है, और कभी कभी मुझे लगता है इस सब मेरी नज़र लग गई तुम लोगों को। तुम्हारी नज़र क्यों लगेगी? क्योंकि
मैं बहुत जेलस होती थी और वो मुझे और घर वालों को कभी टाइम नहीं देते थे और मैं बहुत अनॉय होती थी इस चीज से। तुम्हारी नजर नहीं लगी। अच्छा, तुम तो हमसे प्यार करती थी, है ना? तो जो लोग प्यार करते हैं उनकी नजर नहीं लगती, उनकी दुआएं लगती हैं। इसलिए प्लीज दुआ करो कि मैं स्ट्रांग रहूं। मैं आती हूँ अभी। हाँ, जस्ट कम, आई एम वेटिंग।